जीवाणा के आदर्श विद्या मंदिर में मातृशक्ति सम्मेलन का हुआ आयोजन। साईलाकुंड क्षेत्र के जीवाणा के श्री बायोंसा आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर महादेव मठ सेंदरी के संत रघुनाथ भारती महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम माँ शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। उसके बाद विशिष्ट अतिथि पार्वती ने नारी महिमा का बखान किया। फिर पूर्व छात्रा लीना शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर कविता प्रस्तुत की। उसके बाद कार्यक्रम अध्यक्षा निशा ने सभी को भारतीय संस्कारों से जुड़े रहने की बात कही। बालकों द्वारा इस अवसर पर बेटी है अनमोल नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एकांकी तथा गांधी जी से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संत रघुनाथ भारती महाराज ने मातृशक्ति को मोबाइल का सदुपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी बताया कि महिला ही सृष्टि निर्माण की मूल आधार है। अंत में प्रधानाचार्य इंद्र सिंह ने सभी का आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंच संचालन आचार्य चयन ठाकुर व हराराम ने किया। इस शुभ अवसर पर अतिथिगण मातृशक्ति विद्यालय के आचार्यगण व भैया बहन उपस्थित रहे और संसार में विकृति पैदा हो तो माताओं को अपनी जो सोई हुई शक्ति है, ज्ञान की हो, वैराग्य की हो, दया की हो, करुणा की हो, मैत्री की हो, ये सारे के सारे माताओं के ही रूप है और माताओं के अंदर स्वाभाविक रूप से रहते हैं और पुरुष में भी माताओं के द्वारा आते। जैसे पानी गुना नहीं व्यय करें पर ठीक है, बड़े गर्म लोग और पानी गुना उतनी व्यय करें। जल में जो उष्णता है वो अग्नि के संसर्ग से है, तो पुरुष में ये चारी चीजें आती है माताओं के संसर्ग से। अब वो माताओं में तिरोहित रहेगी तो पुरुषों में कभी आ नहीं सकती। तो पहले ये सब चीजें माताओं में होगी प्रकट तो पूरे जगत में दिखेगी। तो आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्तव्य है। भगवान ने जो सामर्थ्य प्रदान किया है वे सामर्थ्य ने प्रकट करना। ढकूड़ी कोई चीज वेदन न देखो और बिना माताओं पढ़ दो डायलॉग बिना दिखने का। आप अंदर अंदर जो सोई हुई शक्ति है माता में शक्ति है, तो शक्ति के बहुत सारे रूप अनंत रूप है, उन सारे शक्ति के रूपों को प्रकट करें, जगाने का प्रयास कि मेरे अंदर क्या क्या है। उन सभी रूपों को प्रकट करेंगे तो जगत में प्रकाश करेगा और वही प्रकाश जगत का कल्याण करेगा। डॉक्टर को जो भी बनेगा उसके पीछे एक संस्कारी माँ का हाथ होता है और माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। उसे पालना पोसना बड़ा करना माँ ही एक ऐसी है शिक्षक से पहले जो डांटती है और अंदर ही अंदर जलती भी है। अगर वो डांट देती है गलती भी बच्चे को तो अंदर ही अंदर उसको दुख होता है, पर वो किस लिए डांटती है, क्योंकि मेरा बच्चा एक संस्कारी बच्चा बने और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जिससे वो देश का अपने परिवार का गांव का सबका नाम रोशन करे। धीरे धीरे संस्कार आज के युग में अपने घट रहे हैं। इसका मेन कारण ये जो सबसे बढ़िया भी है और उसके नुकसान भी है फोन है, उससे बच्चों को थोड़ा दूर रखें क्योंकि ये अभी इनकी उम्र इतनी नहीं है। जो फोन में सब कुछ है पर बच्चों को क्या देखना बच्चों में ये समझ नहीं होती है, तो इसके पीछे पापा इतना नहीं कर सकते जितनी उनकी मम्मी कर सकती है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बच्चों को फोन दे पर उनकी लिमिट के हिसाब से उनको क्या देखना अपनी निगरानी में दे। तो मम्मी सोचती है मैं काम कर रही हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि मैं अब काम कर रही हूँ बाद में ड्यूटी पे जाना है तो फोन दे दे, पर ये गलत है बच्चे के लिए। अपने लिए फायदा 10 मिनट का काम फटाफट कर लेंगे बच्चे के लिए नहीं है। तो माँ के बिना दुनिया की हर चीज कोरी है क्योंकि माँ का दुनिया का सबसे कोई अच्छा संगीत है तो वो क्या है माँ की लोरी है। तो अपने बच्चों को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अच्छे अच्छे संस्कार दें। ये अपना जो स्कूल है ना ये आदर्श विद्या मंदिर, यहाँ अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं वो संस्कार अगर अपने घर पे भी वैसे ही रखे ना तो अपना बच्चा अपने देश का अपना सबका नाम रोशन कर सकता है। सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए माँ के सम्मान में धन्यवाद देने के लिए हम वर्ष में एक दिन उनको समर्पित करते हैं और उनको मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं। माँ अपने बच्चों की प्रथम मार्गदर्शक होती है, माँ अपने बच्चों की प्रथम मार्गदर्शक होती है, वह उन्हें अच्छा या
बेनका बताती हैं, वह अपनी सारी इच्छाएं भूलकर अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करती है। वह अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अपना सारा जीवन अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देने में लगा देती है, जीवन को चलाने में लगा दिया है। माता एक ऐसी इंसान होती है जो अपने बच्चों से निस्वार्थ भाव से प्यार करती है और उनके भविष्य के लिए हमेशा अच्छा सोचती है और अपना जीवन अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में लगा देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लक्ष्मी का कोई रूप कहे, कोई कहता दुर्गा काली, फिर क्यों ना कोई चाहे घर में एक बेटियां प्यारी धन्य है ये, कर दे जीवन सबका जो तुम इस पर प्यार लुटाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आकाश में हेले लगाती, यही तो है कल्पना चावला, यही तो झांसी की रानी है, इनको देखकर पूरी शिक्षा अपना कर्तव्य निभाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां हैं सबके।